सर क्या हुआ? आज वार्ड नंबर 13 में डिग्गी चौक में हीरा राशन वाले की दुकान पे ये राशन वितरण का काम प्रारंभ हुआ था। इसमें VPL कार्ड और खाद्य सुरक्षा में चयनित लोगों को अनाज वितरण किया जा रहा था। पब्लिक ज़्यादा होने से मतलब व्यवस्था बिगाड़ने के कारण प्रशासन ने दुकान बंद करवाई। निःशुल्क दिया जा रहा है? निःशुल्क दिया जा रहा है, एक महीने का आया है जो ये राशन, खाद्य सुरक्षा और VPL कार्ड में चयनित लोगों का। तो अब बंद करने के बाद किस तरह से लोगों को दिया जाएगा राशन जिनको नहीं मिला? वापस व्यवस्था बिठाएंगे प्रशासन को साथ में लेके, फिर वितरण प्रणाली से वापस चालू करवाएंगे। आपका नाम? भारत दोलखेड़िया, पार्षद वार्ड नंबर 13। व्यवस्था की गई है ये एक्चुअली कुछ मेडिकल शॉप्स को और इनको प्रशासन द्वारा परमिट किया गया है। उस परमिशन में यही है कि इनको जाके शॉप्स पे भीड़ नहीं करके और घरों पे सप्लाई करनी है। उसके लिए इनको पाबंद कर दिया है कि भाई यहाँ पर क्योंकि घनी आबादी है तो मेडिकल शॉप खुली देखते ही लोग दवाइयाँ लेने के लिए आ जाते हैं। जब इनकी दवाई की दुकान से दूरी 10 मीटर 50 मीटर 100 मीटर दूरी है तो दुकान खुली देख के और वो ला जाते हैं, तो इसलिए इनको पाबंद कर दिया है कि आप अपनी दुकान का शटर डाउन रखें और यदि ऐसी ज़रूरत भी है किसी को मेडिकल नीड है तो वो आपको टेलीफोन से जब बताएंगे तो आपको वहाँ उनके घर तक वो दवाई पहुँचानी है। इसके लिए चाहें तो पुलिस का सहयोग भी ले सकते हैं और थाने पे भी यदि किसी व्यक्ति को मेडिकल की नीड है तो थाने पे भी फ़ोन कर सकता है, तो थाने के लेवल पे भी उसको आवश्यक मेडिकल की दवाइयाँ दुकान से लेकर उसी रेट के अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मेडिकल शॉप खुली रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि ये कर्फ्यू वाला इलाका है। रिमोट इलाकों में मेडिकल शॉप ज़रूर खुली है लेकिन यहाँ मेडिकल शॉप और राशन वाले दोनों को पाबंद किया गया है कि इस तरीके से यहाँ लंबी लाइन लगना, यहाँ पे भीड़ हो जाती है, इसलिए इनको पाबंद कर दिया गया, ऐसा नहीं करें। आपके थाना क्षेत्र में कई थोक विक्रेता भी हैं जिनकी दुकानें भी बंद हैं? ये थोक विक्रेता बंद हैं, इसका कारण यही है कि ये कर्फ्यू वाला इलाका है और यहाँ के जो थोक विक्रेता हैं ये काफ़ी जगह माल सप्लाई करते हैं। यदि ये दुकानें इनकी खोली जाती हैं, हालांकि प्रशासनिक निर्णय है, फिर भी अगर इस निर्णय के पीछे मंशा ये एक दुकानें अगर खोली जाती हैं तो दुकानों पे अनावश्यक भीड़ लोगों की एकत्रित हो जाएंगी। वैसे राशन सामग्री वगैरह काफ़ी जगह पर कॉलोनीज़ में प्रशासन द्वारा वितरित कराई जा रही है और उसमें लाइनें वगैरह लगाने के लिए पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है। इसलिए मेडिकल 90% जो थोक विक्रेता है मेडिकल के वो इसी क्षेत्र में विमला मार्केट में आते हैं, तो उनमें सेलेक्टेड जो थोक विक्रेता हैं उनको परमिशन दी गई है, तो उनको भी परमिशन इसीलिए दी गई है कि वो अपने यहाँ कार्मिक है उसके माध्यम से जो रिटेलर है उन तक दुकान दवाई पहुँचाए। ये नहीं है कि रिटेलर यहाँ आके दवाई लेके जाए, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई, इसलिए उनको ब्रीफ भी किया गया है और मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं वो निर्बाध रूप से लोगों को मिलती रहे, ऐसी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। जी हाँ, क्या लेने आए थे? किस सर? गेहूँ लेने आए थे और सर इतने दिनों से दुकान बंद पड़ी थी इसकी और बिल्कुल नियम के अनुसार नहीं देता है गेहूँ ये बिल्कुल। आज क्या हुआ? आज यही लेडीज ज़्यादा थोड़ी भीड़ वगैरह हो गई, उसकी वजह से नंबर नहीं लग पा रहा सही। दुकान बंद करवा दी सर। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं कि घर पर ही मिल जाओ सर हमारे को गेहूँ। कहाँ के रहने वाले हो? क्या डिग्गी तालाब के? नाम क्या? कैलाश चौहान।